आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस हॉस्पिटल गाउन से और वो भी ब्रेस्ट के लिए कैसे बच सकते हैं अगर आप सही ब्रा पहनते हैं। ब्रा छोटी सी उम्र से पहनने लेडी शुरू करती है, जब वो 13-14 साल की होती है और उसकी ब्रेस्ट बननी शुरू होती है। ब्रा एक ऐसी कपड़ा है जिससे वो ब्रेस्ट को सपोर्ट दी जाती है, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या है, ब्रा बहुत तरह की आने लग गई हैं। कौन सी पहने, कौन से ना पहने और किससे क्या प्रॉब्लम होगी, आज मैं आपको ये बताऊंगी। ब्रा कभी भी पैडेड ना पहने। अगर ब्रा आप पैडेड पहनते हैं, ये मोटा कपड़ा होता है, जब भी कपड़ा मोटा होगा तो पानी पसीना सूखेगा नहीं, पसीना नहीं सूखेगा तो यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस जमा होंगे। जब बैक्टीरिया वायरस यहाँ पे जमा हो जाते हैं तो आगे चल के इनमें गिल्टी होने का डर, इसके अंदर इन्फेक्शन होने का डर, ये सब बढ़ जाता है। जब पैडेड ब्रा का एक और नुकसान है कि जो पानी, जो लिम्फेटिक्स होते हैं, एक खास तरह का स्पेशल पानी होता है जो लिम्फ नोड्स यहाँ पे गिल्टियाँ होती हैं वो ड्रेन करती हैं। जब वो ड्रेनेज नहीं होगी, गिल्टियाँ ठीक से काम नहीं करेंगी, तो आगे चल के पैडेड ब्रा में कैंसर होने का डर भी होगा आपको। दूसरी बात, कपड़ा कभी भी सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनिए, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े में भी पसीना जमा होता है। ब्रा हमेशा थोड़ी सी खुली पहननी चाहिए सो दैट उसमें से हवा जाए। और जब भी आप टाइट ब्रा पहनेंगे, अगर ब्रा टाइट होगी तो जो टिश्यू है, जो ब्रेस्ट का टिश्यू होता है, वो दब जाता है। जब वो दबता है तो यहाँ पे दर्द हो जाती है। टाइट ब्रा पहनने से कमर में भी दर्द हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे इलास्टिक है उसके एडजस्टमेंट के चक्कर में कमर में लेडी के दर्द हो जाती है। वो दर्द होगी तो धीरे धीरे यहाँ पे गिल्टी होने का डर, इन्फेक्शन होने का डर। ब्रा हमेशा अपने साइज की पहनिए, कभी भी छोटी ब्रा मत पहनिए। अगर आपकी ब्रेस्ट बड़ी है तो हमेशा अगर कप का साइज नॉर्मल लीजिए, अगर मार्केट में आपके कप का साइज नहीं मिलता तो उसको टेलर मेड करवा लीजिए। और तीसरी बात, जो आजकल बहुत कॉमन है, फैशनेबल फैंसी कपड़े और वायर्ड ब्रा मिलती है। जो वायर्ड ब्रा है वो आगे चल के, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपका पसीना सूखने नहीं देते, वो अगर पसीना नहीं सूखेगा तो फिर आपको वही सब प्रॉब्लम्स होंगी और आगे चल के आपको कैंसर होने का डर भी रहेगा। गिल्टियाँ बन जाती हैं, दर्द हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, यहाँ तक कि कई बार खारिश होती यहाँ पे भी और नीचे वाले हिस्से में, क्योंकि जब पसीना यहाँ इकट्ठा होता है जगह गल जाती है, यहाँ पे इन्फेक्शन होती है। तो उस इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पैडेड ब्रा, वायर्ड ब्रा बिल्कुल मत पहनिए। आप काली ब्रा मत पहनिए, हमेशा हल्के रंग की ब्रा पहनिए, बिकॉज जब भी आप काली ब्रा पहनेंगी तो क्या होगा कि जो लाइट की एनर्जी है, जो हीट है, वो यहाँ पे जमा हो जाती है। ये जगह शरीर से थोड़ी सी बाहर उभरी हुई इसीलिए है सो दैट ये ठंडी रहे। तो जब काली ब्रा नहीं पहनेंगे तो यहाँ पे गर्मी इकट्ठा नहीं होगी, जहाँ पे गर्मी इकट्ठी होगी तो फिर जहाँ पे भी शरीर में गर्मी की ज़रूरत नहीं है जमा होगी तो वो दिक्कत करेगी। अब लेडीज़ पैडेड ब्रा पहनती क्यों हैं, क्योंकि उनकी ब्रेस्ट छोटी होती है। आज मैं आपको बताऊंगी वो एक्सरसाइजेस जिनको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपके ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो सकता है और आप बीमारी होने से फ्यूचर में बच सकते हैं। ये चार एक्सरसाइजेस जो बताएंगे वो आप करके बताएंगी। इसको बोलते हैं पुशअप। आपने एक स्टूल पे अपने आप को ऐसे रखना है, फिर ऊपर नीचे होना है। इस तरीके से आप ऊपर नीचे होंगे। इसे कम से कम 10 से 12 बार करिए तो ब्रेस्ट आपकी डिवेलप होएगी, क्योंकि इस हिस्से से, इस एक्सरसाइज से जब आपकी बाजू हिलेगी तो यहाँ पे आपके ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा आप दो वज़न लीजिए, दो पानी की बोतलें ले सकते हैं भरी हुई, जैसे उन्होंने भारी किताब पकड़ी हुई है। थोड़ा घुटने झुकाएंगे अपनी और बाजुओं को नीचे लेके जाएंगी और फिर ऊपर लेके आएंगी ऐसे। इसको, इससे आपकी ब्रेस्ट उभर के आएगी। इसके अलावा जो पुशअप आपने सोफे पे करी है उसको आप जमीन पे कर सकते हैं। इस तरह से नीचे होएंगी और ऊपर होएंगी। ये तीसरी एक्सरसाइज है, ये दिन में 10 बार करेंगे। इसके अलावा एक आप दीवार के साथ करेंगी, दीवार के साथ आप टच करिए और इस तरीके से आप मूवमेंट करिए। अगर आप ये मूवमेंट करेंगी और इसे 10 से 12 बार करिए दिन में,
तो आपकी ब्रेस्ट डेफिनेटली एक्सरसाइज से बड़ी हो जाएगी, तो आपको पैडेड ब्रा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर में कोई भी पैडेड ब्रा पहनता है तो आप उसे ये अवश्य गाइड करें कि इसको ना पहने। ब्रा अपने साइज की, बिना पैड की और हल्के रंग की, और रात को किसी हाल में भी ब्रा पहन के नहीं सोना, ब्रा निकाल कर ही सोना है। अगर आप 24 घंटे ब्रा पहनेंगी तो 110% आप किसी ना किसी बीमारी को इनवाइट करेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि ब्रा आप रात को उतार कर सोएं और ढीले कपड़ों में सोएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप महसूस करेंगी नहाते हुए, अगर कोई भी गिल्टी आपको महसूस होती है तो इमिडिएटली डॉक्टर पे जाएंगी और अपने आप को रोज़ चेक करेंगी और इस कैंसर से जो होता है उससे बचेंगी।